Hello, everyone. How are you? क्लास स्टार्ट किया जाए. चलिए आज हम लोग मॉडल सेट वन के सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे. मॉडल सेट वन के सेक्शन बी को डिस्कस करेंगे. केमिस्ट्री टर्म टू क्लास इलेवेंथ जैक बोर्ड. ओके, मॉडल सेट वन सेक्शन बी. थ्री मार्क्स मॉडल सेट वन सेक्शन बी. इसमें हर क्वेश्चन थ्री मार्क्स के होंगे. इसमें सात क्वेश्चन होंगे और सात में से कोई पांच आपको अटेम्प्ट करना है. ठीक है, आउट ऑफ सेवन यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली फाइव. ठीक है, हम लोग सातों क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्लास में. इसी प्रकार मॉडल सेट टू के सेक्शन भी डिस्कस करेंगे और फिर मॉडल सेट थ्री के सेक्शन भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, ये लेक्चर फोर है आप लोगों का. चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. और सबसे पहला सवाल है आपका, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. क्या सवाल है जी? सवाल है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में आपको एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. ठीक है, पहले आपको पता है एच क्या होता है, यू क्या होता है. यहां पर डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन इंथैल्पी. क्या है? इंथैल्पी. इंथैल्पी का मतलब होता है हीट एनर्जी. इंथैल्पी का मतलब क्या समझना है आपको, सरल भाषा में हीट एनर्जी. और यू का मतलब क्या है? इंटरनल एनर्जी, उसकी आंतरिक ऊर्जा. जैसे छत के ऊपर पानी की टंकी लगी है तो लाइट रहे चाहे नहीं रहे, पानी अगर टंकी में है तो उस प्रेशर से वो अपने आप नल में गिरेगा, क्योंकि उसके पास एक आंतरिक ऊर्जा है, एक एनर्जी स्टोर्ड है. उसी प्रकार ये मार्कर अभी यहाँ एक हाइट पर है, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा ऑटोमेटिकली नीचे गिरेगा, क्योंकि एक हाइट पर होने के कारण इसके पास एक ऊर्जा है एम जी एच, मास इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट. उसी प्रकार हर चाहे सजीव वस्तु हो चाहे वो निर्जीव वस्तु हो, सभी के पास कुछ ना कुछ आंतरिक ऊर्जा होती है. ठीक है, उसी को हम लोग इंटरनल एनर्जी कहते हैं. उसके पास हीट एनर्जी भी होती है जिसको हम इंथैल्पी कहते हैं. तो इंथैल्पी यानी कि अगर आपके पास कहीं डेल्टा एच लिखा हुआ है तो डेल्टा एच का मतलब है चेंज इन इंथैल्पी. ये थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है. और उसी प्रकार डेल्टा यू का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. इसको क्या पढ़ते हैं? डेल्टा पढ़ते हैं. क्या पढ़ते हैं? डेल्टा पढ़ते हैं. डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी. और ये कैसे निकलेगा जी? H2 माइनस H1, जहां H2 क्या है? फाइनल इंथैल्पी ऑफ द बॉडी. H1 क्या है? इनिशियल इंथैल्पी ऑफ द बॉडी या सिस्टम. उसी प्रकार चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे निकलेगा जी? U2 माइनस U1, जहां 2 रहेगा समझना है फाइनल स्टेट है, 1 रहेगा तो समझना है इनिशियल स्टेट है. ठीक है, ये आपको U1 U2 दिया रहेगा, H1 H2 दिया रहेगा, उसको निकालना है. तो अब आपको हम लोग क्या करना है? डिराइव करना है रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. इसके बाद और इसमें कुछ कहा है क्वेश्चन में? और कुछ भी नहीं कहा. चलिए, हमारे पास वी हैव फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वी हैव फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एच इज इक्वल टू क्या होता है? यू प्लस ईवी. एच इज इक्वल टू क्या होता है? एच मतलब इंथैल्पी है, हीट एनर्जी है, यू मतलब इंटरनल एनर्जी है, और पी भी मतलब वर्क एनर्जी है. मेरी बातों को ध्यान सुनना, मैं क्या कहता हूँ. पी भी, पी मतलब प्रेशर, भी मतलब वॉल्यूम. जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन देता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन देता है, उसी प्रकार प्रेशर इंटू वॉल्यूम या प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम जो होता है यह भी वर्क देता है. फोर्स के जगह पर प्रेशर हो गया और डिस्प्लेसमेंट के जगह पर वॉल्यूम हो गया. फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन होता है,
उसी प्रकार केमिस्ट्री में प्रेशर इनटू वॉल्यूम भी एक वर्क डन देता है और इसी को हम कहते हैं वर्क एनर्जी। ध्यान सुनना मेरी बातों को, कहीं कुछ हो तो लिखते भी जाना। इसको कहते हैं इंटरनल एनर्जी, यानी एंथैल्पी कैसे निकलता है किसी बॉडी का, हीट एनर्जी कैसे निकलता है, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क एनर्जी। क्या बोल रहे हैं इसको? वर्क एनर्जी। इसको क्या बोल रहे हैं? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी। अब अगर आप इनिशियल स्टेट के निकाले तो क्या इस इक्वेशन को लिख सकते हैं जी? एच वन इज इक्वल टू यू वन प्लस पीवी वन। देखिए प्रेशर कांस्टेंट होता है, इंथैल्पी के केस में प्रेशर को हम लोग फिलहाल कांस्टेंट रख रहे हैं, इसीलिए प्रेशर को हमने पी वन नहीं लिखा, बस एच वन इज इक्वल टू यू वन प्लस पीवी वन। सिमिलरली क्या हम लिख सकते हैं? एंड एच टू इज इक्वल टू लिख सकते हैं U2 प्लस पी। आप समझ ही गए होंगे सर क्या करने वाले हैं। तो ये इसको बोल देते हैं क्वेश्चन वन और इसको बोल देते हैं क्वेश्चन टू। और देखो H2 टू माइनस एच वन करना बेटा हमको, फाइनल माइनस इनिशियल करना। डेल्टा H कैसे निकलता है? H1 वन माइनस एच टू है, नहीं H2 टू माइनस एच वन है, यहाँ U2 टू माइनस यू वन है, यहाँ U1 वन माइनस यू टू है, नहीं U2 टू माइनस यू वन है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना है। तो अब आप यहां क्या कीजिएगा, इक्वेशन वन में इक्वेशन टू को घटाइएगा या इक्वेशन टू में इक्वेशन वन को घटाइएगा, आप खुद सोचिए ना। अगर वन से टू घटा देंगे, वन से टू को माइनस कर देंगे तो एच वन माइनस एच टू हो जाएगा, पर मेरे को तो वैल्यू नहीं चाहिए, वो फिर माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एच टू माइनस एच वन करेंगे, यानी इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन टू माइनस इक्वेशन वन करेंगे, देखेंगे हम क्या पाते हैं। वी गेट हम क्या पाते हैं बच्चों? हम पाएंगे H2 माइनस H1। डायरेक्ट एक बार मैं कर रहा हूं, बिल्कुल जैसे क्लास में स्टेप बाय स्टेप करते हो वैसे हम नहीं करने जा रहे हैं। यहां पर सिंपल H2 माइनस H1, अब यहां पर क्या है U2 माइनस U1, U को एक साथ लिख रहे हैं U2 माइनस U1। अब बताओ प्लस, अब क्या करेंगे PV2 माइनस PV1, इसको इसके साथ माइनस किए, इसको इसके साथ माइनस किए, इसको इसके साथ माइनस किए, समझ रहे हैं? H को H के साथ, U को U के साथ, PV को PV के साथ, क्लियर है जी? चलो यहां पर तुम देख रहे हो कुछ कॉमन लेने लायक लग रहा होगा आपको, लग रहा है यहाँ PV2 है यहाँ PV1 है, दोनों में कुछ कॉमन तो ले सकते हो ना प्यारे। क्या लो, चलो क्या इसको लिख सकते हैं, H2 माइनस H1 को बेटा क्या हम डेल्टा H लिख सकते हैं? इसको लिख दिए डेल्टा H। क्या हम U2 माइनस U1 को डेल्टा U लिख सकते हैं? लिख दिए डेल्टा U। प्लस इसको कॉमन क्या है, P V2 माइनस V1, यहाँ क्या बच जाएगा V2 माइनस V1। देखिए ये U है और कहाँ V है, थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, पता नहीं मैं लिख पाता हूं कि नहीं। ये U है और ये V है, दोनों में अंतर समझिएगा, ठीक है? अब बताओ क्या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। अरे नहीं समझा भाई, V2 माइनस V1 को डेल्टा भी लिख सकते हैं, जब H2 माइनस H1 को डेल्टा H लिख दिए, चेंज इन इंथैल्पी लिख दिए, U2 माइनस U1 को डेल्टा U लिख दिए, तो V2 माइनस V1 को डेल्टा भी नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी क्या निकल कर आया, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। दैट इज क्या मतलब निकल कर आया, चेंज इन इंथैल्पी इज द सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल एज सम ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज वेल एज वर्क एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तुमको बता चुका हूं मैं अभी थोड़ी देर पहले ही, वर्क एनर्जी किसको कहते हैं? पीवी को वर्क एनर्जी कहते हैं और यू को इंटरनल एनर्जी कहते हैं। लिख लो ना प्यारे, लिख लो हर चीज में, कितना लिखो। एच को इंथैल्पी कहते हैं, इंथैल्पी मतलब हीट एनर्जी होता है, U मतलब इंटरनल एनर्जी होता है और PV मतलब वर्क एनर्जी होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन को ही वर्क एनर्जी कह रहे हैं। प्रेशर इनटू वॉल्यूम वर्क डन देता है, इसीलिए उसको वर्क एनर्जी कह रहे हैं। तो ये जो लिखे हैं खाली यहाँ का डिराइव नहीं करना है, इसके बाद एक लाइन लिखना भी है कि आपने क्या निकाला है, कंक्लूजन क्या आया है। तो कंक्लूजन है चेंज इन एंथैल्पी इज द सम ऑफ, योग है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क एनर्जी, वर्क चेंज इन वर्क एनर्जी भी कह सकते हैं, एज वेल एज चेंज इन वर्क एनर्जी, एज वेल एज चेंज इन वर्क एनर्जी। चेंज क्या लिखना है यार,
वर्क एनर्जी चेंज हुआ तभी तो वर्क हुआ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, एज वेल एज वर्क एनर्जी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जब फोर्स लगा रहे हैं और जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन कहेंगे नहीं, उसी प्रकार प्रेशर लगा रहे हैं और वॉल्यूम ही चेंज नहीं हुआ तो उसको वर्क डन कहेंगे नहीं, यहाँ प्रेशर लगा रहे हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर है और उससे वॉल्यूम चेंज हो जा रहा है माने वर्क डन हो रहा है, तो वर्क डन हो रहा है इसलिए यहाँ चेंज इन वर्क एनर्जी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली वर्क एनर्जी लिखेंगे इट्स सफिशिएंट, और इस प्रकार आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। यहाँ तक आपको कॉपी करने के बाद चीजों को यहाँ पे जाना है, धस रहा है बात को ना, यहाँ तक करने के बाद कवर, उसके बाद इधर जाना है और कंक्लूजन लिख लेना है, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। इसका स्क्रीन शॉट ले लें, चले आगे इसके बाद, चलो नेक्स्ट। अगर किसी के मन में यहां से रिलेटेड किसी के मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप बस आप कमेंट ही करिए, बाकी जो अगर किसी को डाउट एक्स्ट्रा हो तो वो ऑफलाइन क्लास में आकर पूछ सकता है। चलिए ओके नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? ओके, क्वेश्चन कहता है विच, अरे वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज हायर डायपोल, बहुत अच्छा सिखाने वाला क्वेश्चन है ये, विच आउट ऑफ NH3 एंड NF3 हैज हायर डायपोल मोमेंट एंड वाई। कहता है कि आपके पास NH3 है, ये क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं, और आपके पास कहता है NF3 है, कहता है कि इन NH3 और NF3 में विच वन हैज हायर डायपोल मोमेंट, विच वन हैज हायर डायपोल मोमेंट, और ये भी पूछता है कि क्यों, किसके पास ज्यादा डायपोल मोमेंट है और क्यों, ये पूछ रहा है, क्वेश्चन समझ रहे हैं। कहता है कि आपके पास NH3 है और NF3 है, NH3 और NF3 दोनों में से किसके पास डायपोल मोमेंट ज्यादा है और क्यों ज्यादा है, बहुत बढ़िया सवाल है। यहाँ पर कुछ बातें, सब बातें बोर्ड पर नहीं लिखी जा सकती है, समझाने वाली बातें हैं, दिमाग एकदम खोल करके ध्यान से सुनिएगा चीजों को, मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए पहले तो हम NH3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, यानी 2.5। इसका मतलब क्या हुआ भाई, नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब घट कितना रहा है, 3 घट रहा है, तो 3 घट रहा है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेगा और इस प्रकार नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ठीक है। उसी प्रकार NF3 की भी वही बात होगी, 3 फ्लोरीन के साथ जाकर के कंबाइन करेगा और इस प्रकार से NF3 बन जाएगा। एक्चुअल में जो NH3 और NF3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, अगर हम इसको बनाए तो इसको लिखेंगे, ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया आपका N, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन। उसी प्रकार अगर NF3 का बनाएंगे तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं पिरामिडल शेप, क्या कहते हैं इसको हम लोग, पिरामिडल शेप, पिरामिड की तरह है, बिल्कुल कैमरा के स्टैंड की तरह है, इसको हम क्या कह रहे हैं, पिरामिडल शेप कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक बात समझ में आ गया, यहाँ पर दोनों केस में आप क्या देख रहे हैं, चाहे वो NH3 हो चाहे वो NF3 हो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। क्या होता है लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन का वैसा जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व अपने आप को नहीं किया हो, इलेक्ट्रॉन के वैसे पेयर को लोन पेयर कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन का वैसा पेयर जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन का वैसा पेयर जो बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, उसको हम लोग बॉन्ड पेयर कहते हैं। ये आपके पास लोन पेयर हो गया और ये क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए। यहां तक बात समझ में आ गया, चलिए स्ट्रक्चर कैसा बना, पिरामिडल शेप बना। अब देखिएगा ध्यान से, उसको मैं मिटा रहा हूं, उसकी आवश्यकता नहीं थी। ये हो गया आपका शेप, ये NH3 का शेप है, NF3 का शेप है। आपको पहले पता होना चाहिए कि बॉन्ड मोमेंट क्या होता है। देखिए बॉन्ड मोमेंट के बारे में बात करेंगे, कभी भी अगर लोन पेयर दिखाई दे तो ये नाइट्रोजन एटम और लोन पेयर में आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन को ना लोन पेयर की तरफ दिखाते हुए भेजना है, इसको कहते हैं बॉन्ड मोमेंट। क्या कहते हैं इसको,
बॉन्ड मोमेंट एक इंडिविजुअल को कहते हैं लोन पेयर। और ये आपके पास यहां पर ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? नाइट्रोजन। आपको याद होना चाहिए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं। इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन और नाइट्रोजन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन खींचेगा या नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन खींचेगा? तो आपका जवाब होगा क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इसीलिए यहां पर जो बॉन्ड मोमेंट का डायरेक्शन है वो नाइट्रोजन की तरफ हो गया। ठीक है जी। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर नाइट्रोजन और लोन पेयर में बॉन्ड मोमेंट हमेशा लोन पेयर की तरफ रहेगा, चाहे यहां नाइट्रोजन हो चाहे कोई भी एटम हो, कितना भी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों नहीं हो, अगर लोन पेयर है तो डायरेक्शन बॉन्ड मोमेंट का हमेशा लोन पेयर की तरफ आपको मेंशन करना है। लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस में ना, सॉरी फ्लोरीन में ना, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सर ये आप कैसे जान जाते हैं सर कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा है कौन कम है? अबे इतनी बार बता रखा है भाई, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद नाइट्रोजन। ये ट्रेंड कितनी बार क्लास में बताया गया है, फ्लोरीन उसके बाद ऑक्सीजन उसके बाद क्लोरीन उसके बाद नाइट्रोजन, यही तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है। अब बहुत सारे बच्चे जिन्होंने 11th में क्लास नहीं किया होगा वो ये पूछेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, तो अभी फिलहाल हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने के मूड में नहीं है बाबू, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताने में लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, छोटी छोटी बात कितनी बताते रहेंगे हम। तो आप फिलहाल यह समझिए, आप बाकी ऑफलाइन क्लासेज में जैसे चलता है वैसे तो नहीं बता पाएंगे यहाँ पर। तो कहने का मतलब फ्लोरीन और नाइट्रोजन में जो है वो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। देखो नाइट्रोजन कहाँ है, फ्लोरीन कहाँ है, इसीलिए जो नाइट्रोजन का इस बार इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, और इसीलिए हम बॉन्ड मोमेंट के डायरेक्शन को इस बार फ्लोरीन की तरफ रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, देखिए ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ है, रिजोल्यूशन करेंगे तो नेट वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, मतलब ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की तरफ ही है, यानी इसका नेट बॉन्ड मोमेंट कैंसल नहीं होगा, वो एक दूसरे को कैंसल नहीं करेगा या कम नहीं करेगा, माइनस नहीं करना पड़ेगा। इसमें भी डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इधर से भी ऊपर की तरफ है, यानी ओवरऑल दोनों ऊपर की तरफ ही। देखो ना एरोहेड किधर है, ऊपर की तरफ, यानी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, यहाँ किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक बॉन्ड मोमेंट ऊपर की तरफ है, एक बॉन्ड मोमेंट नीचे की तरफ है, जिस कारण से हाँ इसका बॉन्ड मोमेंट और इसका बॉन्ड मोमेंट बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये बॉन्ड मोमेंट ड्यू टू लोन पेयर है और ये बॉन्ड मोमेंट ड्यू टू बॉन्ड पेयर है। मेरी बात ध्यान सुनना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोला हूँ, ये जो बॉन्ड मोमेंट है ये लोन पेयर की वजह से है, ये बॉन्ड मोमेंट बॉन्ड पेयर की वजह से है, तो दोनों बॉन्ड मोमेंट का वैल्यू बराबर नहीं हो सकता है। मोमेंट बोले तुम परेशान क्यों हो रहे हो, कल ही बताए कि मोमेंट का मतलब औकात होता है, स्ट्रेंथ होता है, तो इस बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो ऊपर की तरफ है, इस बॉन्ड का स्ट्रेंथ नीचे की तरफ है, और ये लोन पेयर का स्ट्रेंथ है और ये बॉन्ड पेयर का स्ट्रेंथ है, तो दोनों बराबर कैसे हो जाएगा, बराबर तो नहीं होगा। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि इसको ये दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, अगर आप गूगल करेंगे या किताब में पढ़ेंगे दैट इज डिफरेंट थिंग, वो सही नहीं है। ये आप खुद सोचिए ना, ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, दोनों का रिपल्सन, दोनों का अट्रैक्शन, दोनों का स्ट्रेंथ बराबर तो नहीं ना होगा। विस्पर थ्योरी कहता है कि लोन पेयर ज्यादा रिपल्सिव होता है, उसके बाद बॉन्ड पेयर होता है, तो ये ज्यादा होगा ये कम होगा, हाँ लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, इस कारण से मान लेते हैं ये 10 होगा तो ये क्या होगा, मान लेते हैं 7 होगा, तो 10 माइनस 7 3 ही ना बचा, और ये मान लेते हैं 10 होगा और ये कितना है 3 होगा, तो 10 और 3 13 ना हो गया, मैंने दोनों मिल करके ज्यादा हो गया, और ये क्या हो गया 10 उधर 3 इधर, तो 7 ही ना बचा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये जो है इसके मुकाबले इसका नेट डाइपोल मोमेंट कम हो गया, इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, कम हो गया, और इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। मैं कहता हूं इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है, इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है जिसको हम म्यू नेट कह रहे हैं, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है ये ज्यादा हो गया, और इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है, इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेट डायपोल मोमेंट क्या हो गया, कम हो गया, और इसी कारण से इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा हो गया, इसलिए ज्यादा पोलर है, इसलिए क्या ये मोर पोलर है, और ये क्या है लेस पोलर है, ये क्या है लेस पोलर है।
ठीक है सर, लेकिन सर हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सर फ्लोरीन तो ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में पोलैरिटी कम होना चाहिए और नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच में पोलैरिटी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ फ्लोरीन ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और सर डायपोल मोमेंट तो पोलैरिटी पर निर्भर करता है, चार्ज पर निर्भर करता है। तभी तो आप बताए थे सर कि डायपोल मोमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब सर जितना ज्यादा पोलर होगा उतना ही ज्यादा तो चार्ज होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि यहाँ नाइट्रोजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज ज्यादा डेवलप होगा, क्योंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा, यहाँ ज्यादा प्लस माइनस का चार्ज बिल्डअप होगा। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है नहीं, यहाँ ज्यादा प्लस माइनस का चार्ज तो बिल्डअप नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, ये लोन पेयर होने की वजह से हम यहाँ चार्ज वाला फैक्टर नहीं देख करके बॉन्ड मोमेंट वाला फैक्टर देखेंगे। लोन पेयर की वजह से हम यहाँ चार्ज वाला फैक्टर ना देख करके लोन पेयर वाला फैक्टर देखेंगे। और इस आधार पर हम देखेंगे, आपको याद आपको पता होना चाहिए कि इसका जो बॉन्ड मोमेंट निकल कर आ रहा है ये 1.47 डीबे आ रहा है। कितना आ रहा है इसका डायपोल मोमेंट? 1.47 डीबे। डीबे कहीं बताए थे कि डायपोल मोमेंट का यूज होता है डीबे। और इसके अगर हम बॉन्ड मोमेंट की बात करें, इसके बॉन्ड मोमेंट की बात करें तो ये होता है मात्र, ये होता है 0.24 डीबे। क्या होता है ये? 0.24 डीबे। जबकि इसका बॉन्ड मोमेंट कितना है, डायपोल मोमेंट कितना है? 1.47 डीबे। इसका मतलब ये ज्यादा डायपोल मोमेंट इसके पास है, इसके पास डायपोल मोमेंट कम है। और इसी कारण से कहेंगे NH3 और NF3 में ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, तो आंसर है NH3 का डायपोल मोमेंट ज्यादा है। सर इसको लिखेंगे कैसे, कुछ मत करना, तुम खाली डायग्राम बना देना है और ये बॉन्ड मोमेंट को निकलते हुए दिखा देना है। इसका डायरेक्शन भी इधर, इसका डायरेक्शन भी इधर, ओवरऑल नेट डायरेक्शन टूवर्ड्स अपवर्ड है। लेकिन इसका डायरेक्शन अपवर्ड, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड, क्या होगा, कुछ हद तक कैंसिल कर देगा एक दूसरे को, और जिस कारण से इसका डायपोल मोमेंट कुछ कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को ये लोग कैंसिल नहीं करेंगे, इसी कारण से इसका डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा। और इसी कारण से इसका डायपोल मोमेंट 1.47 है, जबकि इसका डायपोल मोमेंट 0.24 डीबे है। समझ गए बातों को, इसको लिख लीजिए। यहाँ पर आपको क्या लिखना है, लोन पेयर बॉन्ड मोमेंट एज वेल एज बॉन्ड पेयर बॉन्ड मोमेंट, क्या लिखना है मेरी बातों को सुनिएगा और लिखिएगा, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, स्लो कर लीजिएगा जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो। मैं कहता हूँ कि लोन बॉन्ड मोमेंट ऑफ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड मोमेंट ऑफ बॉन्ड पेयर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो ओवरऑल डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 is more as compared to NF3 because in NF3 bond moment of NH3 bond moment due to lone pair as well as bond pair is in opposite direction। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है। चलो हो गया ये। अगर किसी को कोई बात नहीं समझ में आया हो तो आप उसको सवाल पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है जी। इसको मिटाना चाहते हैं, मिटा दिया जाए जी। चलो नाउ नेक्स्ट, अगला सवाल क्या है जी, अगला सवाल कहता है ओके डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा आसान सवाल दे दिया। अर्हेनियस कहता है, अर्हेनियस एसिड और अर्हेनियस बेस क्या होता है ये समझिए। अर्हेनियस एसिड और अर्हेनियस बेस, यानी अर्हेनियस के हिसाब से एसिड का डेफिनेशन क्या है और अर्हेनियस के हिसाब से बेस का डेफिनेशन क्या है। तो अर्हेनियस कहता है कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसको हम एक्वस सॉल्यूशन में डालें, ये किताबी भाषा है, आम भाषा में कहेंगे वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसको पानी में डालें और पानी में डालते ही अगर वो H प्लस आयन का त्याग करे, हाइड्रोजन आयन का त्याग करे, प्रोटॉन का त्याग करे, तो H प्लस को प्रोटॉन कहते हैं। तो वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पर, बिना पानी में डाले नहीं, यही इसका प्रॉब्लम है, पानी में डालने पर, एक्वस सॉल्यूशन में डालने पर अगर ये H+ का त्याग करता है तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम एसिड कहेंगे।
और वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पर H प्लस नहीं OH माइनस का त्याग करता है, OH माइनस को हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं। तो अगर वैसा केमिकल सब्सटेंस जिसको पानी में डालने पर वो OH माइनस का त्याग करता है तो वैसे केमिकल सब्सटेंस को हम बेस कहते हैं। कैसा बेस? अर्हेनियस बेस कहते हैं। इसको लिखने की जरूरत तो नहीं है, फिर भी लिख देते हैं। That chemical substance या वैसा species, that chemical substance which liberate H plus, liberate मतलब छोड़ना, त्याग करना, release करना, which liberate H plus ion in aqueous solution, वैसा पदार्थ जो पानी में डालने पर H plus का त्याग करता है, वैसे chemical substance को हम लोग acid कहते हैं। कैसा acid कहते हैं भैया? Arrhenius acid कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? इसके उदाहरण हो सकते हैं HNO3, इसके उदाहरण हो सकते हैं H2SO4, इसके उदाहरण हो सकते हैं H3PO4, इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं HCl, ऐसे उदाहरण हो सकते हैं। उसी प्रकार अर्हेनियस बेस के बारे में क्या है? वैसे केमिकल सब्सटेंस विच लिबरेट, मतलब लंबा कहानी नहीं लिख रहे हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, विच लिबरेट, वैसे केमिकल सब्सटेंस आप ऐड कर लेना विच लिबरेट OH माइनस आयन, इसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन। क्या कहते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल आयन। OH माइनस को कहते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, और इसको कहते हैं प्रोटॉन। क्या कहते हैं इसको? प्रोटॉन या H प्लस आयन, हाइड्रोजन आयन। तो विच लिबरेट OH माइनस इन एक्वस सॉल्यूशन, वैसा बेस जो पानी में डालने पर OH माइनस का त्याग करे, वैसे पदार्थ को अर्हेनियस बेस कहते हैं। उदाहरण के तौर पर उदाहरण आप ले सकते हैं NaOH, उदाहरण ले सकते हैं KOH, उदाहरण ले सकते हैं CaOH2, उदाहरण ले सकते हैं MgOH2, उदाहरण ले सकते हैं AlOH3। इस प्रकार इसमें OH लगा हुआ हो, जिसको पानी में डालते ही वो तुरंत टूट जाए और OH माइनस का त्याग करे, वैसे पदार्थ को अर्हेनियस बेस कहते हैं। अगर आपको पूछेगा कि अर्हेनियस का लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन क्या है, मतलब इसका प्रॉब्लम क्या है, इसके डेफिनेशन में प्रॉब्लम यह है कि अगर आपके पास पानी नहीं है तो आप पता नहीं कर पाइएगा कि वो एसिड है कि बेस है। जब तक आप उसको पानी में नहीं डालिएगा तब तक आप ये नहीं बता सकते, समझ रहे हैं बातों को? तो आपको पानी चाहिए। अगर आप मंगल ग्रह पर हैं, मंगल ग्रह पर हैं, और आपको अगर कोई चीज़ टेस्ट करना है कि वो एसिड है कि बेस है, तो इसके हिसाब से कहता है कि मुँह में डाल के टेस्ट कर लीजिए, वहाँ खट्टा होगा तो एसिड होगा और नहीं तो बेस होगा, ठीक है? क्योंकि पानी तो वहाँ मिलेगा नहीं, तुम वहाँ कैसे टेस्ट करोगे? इसीलिए अर्हेनियस का जो है वो ड्रॉबैक है, डेफिनेशन उतना अप्रोप्रिएट नहीं है। कि अगर मान लीजिए मेरे पास पानी नहीं है तो आप पता नहीं कर पाएंगे जी कि वो एसिड है कि बेस है, तो बिना पानी डाले आप बता नहीं सकते हैं। तो हम मंगल ग्रह पर हैं तो कैसे जानेंगे कि वो एसिड है कि बेस है? कोई चीज़ हमको मिला, हमको पता करना है कि वो एसिड है कि बेस है, तो कैसे पता करेंगे? पानी खोजेंगे, पानी वहाँ मिलेगा नहीं, तो क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे मुँह में डाल के, खट्टा है कि मीठा है, समझ रहे हैं? चलिए हम भी Now next. अगला सवाल कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब क्या कहता है 11 नंबर। अच्छा ये तो समझाने वाला सवाल है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या एक्सप्लेन करने वाला सवाल है, ध्यान से समझिएगा। इसको मिटाना चाहते हैं जी, मिटा दिया जाए, सब ठीक है यहाँ तक, बराबर चल रहा है ना, परेशानी तो नहीं हो रही है ज्यादा, परेशान नहीं होना है। अब कहता है एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। ये थोड़ा समझाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। जब तक आप खुद नहीं समझिएगा ये एक्सप्लेन कहां से कीजिएगा, और ये एक्सप्लेन करने वाला सवाल है। पहला कहता है PbX2 इज मोर एसिडिक देन PbX4, PbX2 इज मोर एसिडिक देन PbX4। कहता है PbX2 और PbX4 में PbX2 ज्यादा एसिडिक है, क्यों? PbX4 के कंपैरिजन। अरे भाई PbX4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, PbX4 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसके बारे में बात करना बेमतलब है, सवाल पूछा। लेकिन फिर भी ये बहुत ही वायरल सवाल है, मतलब बहुत जगह मिल जाएगा आपको ऐसा सवाल। PbX2, पहले PB समझिए, PB का मतलब यहाँ क्या है?
यहां पर पीवी का मतलब है बेटा लेड, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 82। पीवी क्या है यहां पर? लेड है, दिख रहा है साफ से। पीवी का मतलब यहां पर क्या है? लेड है। लेड समझते होंगे, लेड एक धातु है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 82। ठीक है। अब और एक्स का मतलब आप समझ रहे हैं, एक्स का मतलब क्या है? हैलोजन है। एक्स का मतलब क्या है? हैलोजन है, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप 17 एलिमेंट को हम लोग हैलोजन कहते हैं। तो कहता है कि यानी कि कहता है कि पीबी प्लस टू का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो स्टेबल ज्यादा है। ये सवाल ऐसे भी हो सकता था, वाई पीबी प्लस टू ऑक्सीडेशन, वाई पीबी प्लस टू इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। यही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है, वाई पीबी प्लस टू इज मोर स्टेबल दैन पीबी प्लस फोर, यानी टू के कंपैरिजन में, फोर वाला ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपैरिजन में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो लेड का, वो ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? ये पी ब्लॉक एलिमेंट का सवाल है, ग्रुप 13 एलिमेंट से उठाया गया है ना, ब्रोमीन, एल्युमिनियम, वो लाइन से उठाया गया। देखेंगे अगर आप पीरियोडिक टेबल तो आप समझ में आपको आ जाएगा। ये ग्रुप 14 का एलिमेंट है, लेड वाला जो है वो ग्रुप 14 का एलिमेंट है। तो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं कि सवाल ऐसे भी हो सकता था कि Pb plus 2 is more stable than Pb plus 4, ऐसा क्यों? ध्यान समझिएगा, ठीक। अब आपको इसके लिए पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने आना चाहिए। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने आता है तो आपको दिक्कत हो सकती है, फिर ये सवाल आप अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ये सवाल आपसे बनेगा नहीं। और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कर, चलो देखो, तो यहाँ पर क्या है, पीबी, पीबी का एटॉमिक नंबर 82 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से, थोड़ा सा मैं कैमरा टिल्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। देखिए हम इलेक्ट्रॉन, अगर हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे रहेंगे तो हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे? देखिएगा, हम जरा सा भी रिस्क नहीं लेंगे, हम तुरंत कॉपी के बायां साइड में, दाहिना साइड में एक हम ऑफ बॉ प्रिंसिपल ड्रॉ करेंगे और ऑफ बॉ प्रिंसिपल के आधार पर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। आपके पास है 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। चीजों को रटिए मत, समझने की चेष्टा कीजिए कि अगर आपको याद नहीं है तो कैसे बना पाएंगे। 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। मैंने कहा है क्लास में कभी भी आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो जरूर इसको ड्रॉ कर ले फटाफट कॉपी में और इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, नहीं तो आप फंस जाइएगा मैटर में और क्वेश्चन गलत करके आ जाइएगा। यह 1s है, 2s है, 2p, एक लाइन खींचते जाइए और उस लाइन में जो चीज़ें आ रही हैं उसको मिलाते जाइए और जो नहीं आ रहा उसको ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश मत कीजिए। और इस प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, पहला लाइन में 1s, दूसरा में s और p, तीसरा में s, p, d, चौथा में s, p, d, f, पांचवा में s, p, d, f, छठा में s, p, d, सातवा में s, p। ऐसा क्यों होता है ये बहुत बार बता चुका हूं मैं। चलिए खैर आगे चलते हैं, हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो हम लंबा वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने से बचेंगे और शॉर्ट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो अब आप यहां देखेंगे कि ज़ेनॉन से पहले नियरेस्ट नोबल गैस कौन सा है। ज़ेनॉन जैसे लेड से पहले, लेड का 82 होता है तो ज़ेनॉन से पहले आप देखेंगे लेड से पहले कौन सा नोबल गैस आता है, तो आपको याद होना चाहिए। एक बार आपको बताया गया है, क्या बताया गया है? ही, ना और करीना ने जेबियर डिजाइन किया। इसको बहुत आसान तरीके से मैं एक लाइन में इसका आंसर है, बस एक वर्ड में इसका आंसर है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। लेकिन मैं जानबूझकर लंबा कर रहा हूं ताकि आपको समझा सके, क्योंकि ये 12th में बार बार काम आएगा, बार बार ये चीज काम आएगा, इसलिए आपको मजबूरी में मुझे समझाना पड़ रहा है, नहीं तो इसका लाइन, इसका आंसर एक लाइन में लिख के चला जाता, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ और वाइट, बस यही इसका आंसर है। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, आपको ये नहीं पता है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, तो मेरी बात आप समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए हम आपको पहले स्क्रीनिंग इफेक्ट समझा रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट समझा रहे हैं, तब जा करके आपको ये पॉइंट, मेरी जो बात, इसका आंसर एक लाइन में ही है, तब जाकर वो समझ में आपको आएगा। इसीलिए मजबूरी में हमको ये सब समझाना पड़ रहा है, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस हैं और इसके बारे में आपको बताए हैं, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, इसका 36 है, इसका 54 है, इसका 86 है, ये बताया गया है, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, यही तो बताया गया है। अब देखो
अब यह देखना है कि 82 से पहले 82 से पहले कौन सा नोबल गैस आता है, ठीक पहले 82 से पहले तो बहुत सारे आते हैं, 82 से ठीक पहले कौन सा नोबल गैस आता है, तो 82 से ठीक पहले हम देख रहे हैं कि ज़ेनॉन आता है। क्या आता है? ज़ेनॉन आता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ज़ेनॉन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ज़ेनॉन। यानी कि 54 तक आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 लिखने की जरूरत नहीं है। आपको यह देखना है कि 82 से पहले 82 से पहले कौन सा नोबल गैस आता है। तो हम देख रहे हैं कि 82 से पहले 54 आता है, क्योंकि 86 तो आ नहीं सकता है, ठीक पहले की बात हो रही है, इसलिए ज़ेनॉन कंसिडर करेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि ज़ेनॉन कहाँ पर पूरा हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि एस के पास आप 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। बातों को अगर नहीं समझ में आ रहा, जो नए बच्चे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इस वीडियो को देखिएगा, लेकिन समझिएगा जरूर, बिना समझे गुजारा नहीं है बेटा, बार बार फंसोगे क्लास 12th में तुम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेरी बात ध्यान समझना, बार बार सुनना तभी समझ पाओगे, अगर एक बार में नहीं समझ पा रहे हो तो। 2 इलेक्ट्रॉन एस में रहता है क्योंकि एस के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, पता होना चाहिए आपको। पी के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के पास 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 होते हैं, एस के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6, एफ के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल में सर्वाधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इस प्रकार एफ के पास 7 ऑर्बिटल है, तो 7 ऑर्बिटल में हम 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। डी के पास 5 ऑर्बिटल है जिसमें हम सर्वाधिक 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, पी के पास 3 ऑर्बिटल में हम 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं और एस के पास 1 ऑर्बिटल है इसलिए हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। चाहे वो 1 का एस हो, चाहे 2 का एस हो, चाहे 3 का एस हो, अगर वो एस है तो उसमें आप सर्वाधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। अब देखिए, अब क्या करना है आपको, ये देखना है कि आपको इसमें देखना है कि कहां पर आपका 54 कंप्लीट हो रहा है। तो एस को 2 दिए, 1 देखो, 1 एस के बाद पीछे से आना है, 1 एस के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद, मतलब ऐसे चलना है आगे से, फिर पीछे शुरू करना है, फिर पीछे शुरू करना है, ध्यान समझिएगा, ठीक है जी। चलो, अब हमने इसको दिया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसको दिया 2 4, फिर इसको दिए p को 6 10, इसको दिए 3s को 2 10 और 2 12, 3s के बाद 3p 12 और 6 18, 18 और 2 20, 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 2 38, 38 और 10 48, 48 और 6 54, यानी 5p में जाकर के 54 पूरा हो रहा है। तो यानी आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने 5p तक लिख लिया। अब 5p यहां 54 कंप्लीट हो रहा है, तो अब आपको ये देखना है कि यहां के बाद 54 के बाद आगे लिखना है आपको, और कहां तक पहुंचना है, 82 तक पहुंचना है। तो आप 54 के बाद क्या जाएंगे भाई, 6s में जाएंगे, तो 6s2 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या जाएंगे, 4f14 लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 5d10 लिखेंगे, और उसके बाद क्या लिखेंगे, 6p2 लिखेंगे। देखिए, आपको 82 होना चाहिए, तो ज़ेनॉन पर क्या हो गया, 54 हो गया, यानी 54 तो ज़ेनॉन तक ही हो गया, 54 और 54 और 2 56, जो पावर में है ना वो इलेक्ट्रॉन है, तो 54 और 2 56, 56 और 14 70, 70 और 10 80, 80 और 2 82, यानी कि ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वैसे आपको जैसे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता हो आप वैसे कर सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि मैंने जैसे किया है आप वैसे ही करें, सभी का अपना अपना टेक्निक होता है और ये एक दिन में नहीं आता है, क्षण भर में नहीं आता है, ये मेहनत से आता है, सबका अपना अपना मेहनत होगा और उसके हिसाब से आपको जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेक्निक आता होगा वो सही है गलत नहीं है, जो आपको आता है उसी को फॉलो कीजिए, दोबारा नया सीखने की आवश्यकता नहीं है, बस इट्स ओके। चलिए, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 82 का, ऐसे इसको हम ऐसा लिख सकते हैं अरेंज करके, ज़ेनॉन 54, उसके बाद पहले 4 वाला लिखेंगे, फिर 5 वाला और फिर 6 वाला, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4f14 5b10 6s2 एंड 6p2, ये हो गया लेड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन के त्याग करने की बात करेंगे तो Pb अगर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो ध्यान रखना, प्लस 2 का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, और जब भाई साहब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसके पास 82 इलेक्ट्रॉन थे पहले, अगर इसका एटॉमिक नंबर 82 था, मतलब ये न्यूट्रल था, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 82 थी, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो कभी भी कोई एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो हमेशा बाहरी कक्षा से करता है,
यानी सबसे आउटर मोस्ट में क्या है, 6p है, तो ये 6p जो है देखो ध्यान समझना। अब आपको एक बात पता होना चाहिए, शील्डिंग इफेक्ट समझिए क्या होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है वो समझिए। मान लीजिए कि आपके पास न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट पहला है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, अंदर के ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखो इस इलेक्ट्रॉन पे दो तरह का फोर्स लग रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं उसको वहां लिखना ठीक नहीं है, रुको थोड़ा ध्यान रखो, इधर लाता हूं मैं कैमरा, थोड़ा सा स्विच करते हैं हम लोग इधर। देखो अभी समझिए, स्क्रीनिंग इफेक्ट समझिए क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपके पास समझ लो एक इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ खिंचाव महसूस करेगा, न्यूक्लियस पर प्लस चार्ज है ना बच्चे, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज जो है वो प्लस की तरफ आकर्षित होगा कि नहीं होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में ये न्यूक्लियस की तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहा होगा, खिंचाव महसूस कर रहा होगा, लेकिन अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो नेगेटिवली चार्ज है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने से क्या करेंगे, रोकेंगे, यानी ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे रिपल्सन का फोर्स लगा रहे होंगे, बोलो ना, लगा रहे होंगे, यानी इस इलेक्ट्रॉन पर दो तरह का फोर्स लग रहा है, एक न्यूक्लियस इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू न्यूक्लियस बोलेंगे, और एक क्या होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन ड्यू टू इनर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स, अंदर के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर भी माइनस चार्ज है, और बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर भी माइनस चार्ज है, तो माइनस माइनस रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर धकेल रहे हैं और अंदर वाला न्यूक्लियस उसको बुला रहा है, तो ये जो ये इधर आने की चेष्टा तो करेगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर मौजूद है वो इसके आने से रोक देंगे, बोलेंगे हम लोग यहाँ है ही है तो तुम यहाँ पे किधर क्यों आ रहे हो, चलो। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ नहीं आ पाएगा, यानी न्यूक्लियस के साथ उतना अच्छा बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा, मतलब न्यूक्लियस उसको उतना ताकत से नहीं पकड़ के जकड़ के रख पाएगा, यानी ये आसानी से लूज कर देगा, नहीं समझे, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन का पकड़, न्यूक्लियस का पकड़ जो है इस इलेक्ट्रॉन पर कमजोर हो गया, तो कोई भी आएगा इस इलेक्ट्रॉन को मांग के ले जाएगा, उड़ा के ले जाएगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन तो चाहते हैं चला जाए, हम लोग वंश में है ही है तो कंस लाने का जरूरत, चलो निकलो तुम यहां से। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर में जो है ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर आने नहीं देंगे, बोले हम लोग अभी है ना भाई तुम्हारे आसिक, नया आसिक कह ला रही हो तुम इधर, चलो इसको हटाओ, इसका मतलब क्या है, इसको इधर हटा देंगे, और ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको शील्ड करेगा, इधर आने से रोकेगा, एक पर्दा का काम करेगा, एक स्क्रीन का काम करेगा, इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्ड मतलब होता है ढाल, नहीं देखते पहले के समय में अंग्रेज लोग से जब लड़ाई होता था या महाराजा महाराजा का युद्ध देखते होंगे तो अपने हाथ में ढाल रखता था, शील्ड रखता था, क्यों, उससे जब उस पर जब वार किया जाए तो उससे वो बचा सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो शील्ड का मतलब क्या होता है, आने वाले चीजों को रोकना, तो यहां पर हम बोल रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट, क्या बोल रहे हैं जी, शील्डिंग इफेक्ट, या इसी को हम बोल रहे हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्ड करना या स्क्रीन करना, शील्ड करना या स्क्रीन करना, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है और अंदर के इलेक्ट्रॉन इसको इधर आने से रोक रहे हैं, एक एक्स्ट्रा रिपल्सिव फोर्स लगा करके इधर आने से रोक रहे हैं, रोकने का काम कर रहे हैं अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहरी इलेक्ट्रॉन को, इसी को हम लोग स्क्रीनिंग इफेक्ट या इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया क्या होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट, क्या होता है शील्डिंग इफेक्ट। अब समझिए एस और पी के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस और पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या एस और पी ऑर्बिटल का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है वो ज्यादा अच्छा होता है। यानी अगर हम बात करें स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑर्डर का बात करें, स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑर्डर का बात करें तो सबसे अच्छा स्क्रीनिंग कौन पैदा करता है, एस ऑर्बिटल, उसके बाद पी, उसके बाद डी और उसके बाद एफ। यानी डी और एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का ना पुअर शील्डिंग इफेक्ट रहता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है। मतलब नहीं समझे सर, अरे समझा रहे भाई, समझाए कहा है। अब मान लो एक छोटा सा घर है और उस घर में एक गार्ड तैनात है, ठीक है, एक छोटा सा बंगला है उसमें एक गार्ड तैनात है, एक ही रास्ता है उसमें गार्ड तैनात है, तो क्या किसी चीजों को वो इधर आने देगा, नहीं आने देगा। लेकिन एक बहुत बड़ा सा घर है, बहुत बड़ा सा घर है, राष्ट्रपति भवन है और वहां एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है,
एक नहीं मान लो 10 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड क्या है ना, मान लो तुम ऐसे समझो कि एक बिल्डिंग में ना एक सिक्योरिटी, दो ही सिक्योरिटी गार्ड है, समझ लो तुम एक बिल्डिंग में दो सिक्योरिटी गार्ड है और एक बिल्डिंग में 10 सिक्योरिटी गार्ड है, तो ज्यादा सुरक्षित कौन होगा अभी आपके हिसाब से? वो वाला होगा ना जिसके पास 10 सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन साले वो 10 के 10 क्या है ना, लंच करने सब एक के बार जाता है। लेकिन जिसके पास दो ही सिक्योरिटी गार्ड है, एक लंच करके आता है फिर दूसरा जाता है। लेकिन एक के पास 10 सिक्योरिटी गार्ड है लेकिन साले 10 के 10 सब एक ही बार लंच करने जाते हैं, तो चोरी होने की संभावना ज्यादा कहां है? वहां है ना, जहां पर 10 गार्ड होने के बावजूद चोरी हो सकती है। क्यों? क्योंकि सब लापरवाह है, बेपरवाह है, सब अंदर घुस जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है ना, डी और एफ और वाइटल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। देखो डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10, एफ के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 14, लेकिन उसके बावजूद ये उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करते हैं, क्योंकि डी और वाइटल और एफ और वाइटल का जो शेप होता है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। देखा होगा आपने डी और वाइटल का शेप डबल डम्बल शेप होता है। देखिए यूट्यूब में उतनी चीजें बताई नहीं जा सकती जैसे क्लास में हम बताते हैं, फिर भी समझने की थोड़ा चेष्टा करें आप, बाकी चीजों को ऑफलाइन ही समझेंगे। तो स्क्रीनिंग फिर से पढ़ाएंगे क्लास 12th में आपको, स्क्रीनिंग इफेक्ट अभी जब पढ़ाएंगे भी क्लासेस स्टार्ट होंगे तो आपको 12th में आपको फिर से पढ़ाया जाएगा, पर समझने की कोशिश करिए। तो डी और एफ और वाइटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है। क्यों पुअर होता है? क्योंकि डी और एफ और वाइटल के शेप बड़े होते हैं और बड़ा शेप में इलेक्ट्रॉन कहीं खो जाते हैं। जब भाई इलेक्ट्रॉन दरवाजा पर रहेगा, प्रहरी की तरह, गार्ड की तरह रहेगा, तब ना आने वाला पर रोक पाएगा, ये खुदे अंदर रहता है घर में घुसा हुआ, तो चोर तो घुस जाएगा ना तेजी से। तो कहता है कि डी और एफ का शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होता है क्योंकि डी और एफ और वाइटल का शेप बड़ा होता है, और शेप बड़ा होने की वजह से जो उसके इलेक्ट्रॉन है वो इस बड़े हवेली में ही गुम होकर रह जाते हैं और वो उतना अच्छा शील्डिंग पैदा नहीं कर पाते हैं। जबकि एस और पी और वाइटल एक इंद्रावास है, एक ही मकान का, एक ही कमरे का घर है, तो एकदम आदमी एकदम सामने गेट पर ही खड़ा रहता है, तो आने वाले को क्या कर देता है, तुरंत रोक देता है। और एस और पी का शील्डिंग इफेक्ट बहुत अच्छा होता है। समझ में यहां तक बात आ गया? एस और पी का शील्डिंग इफेक्ट बहुत अच्छा है, मतलब आने वाले इलेक्ट्रॉन को एकदम रोक करके रखता है, न्यूक्लियस की तरफ पकड़ बनाने नहीं देता है। समझ गए? यानी एस और पी अच्छा बॉडीगार्ड है, जबकि डी और एफ अच्छा बॉडीगार्ड नहीं है। तुम ऐसे समझो, एस और पी बहुत अच्छा बॉडीगार्ड है जबकि डी और एफ अच्छा बॉडीगार्ड नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे समझ रहे हैं यहां पर। अब इतनी बात समझ में आ गई, अब समझना। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो जरा 6p के पास कितना इलेक्ट्रॉन है। अब ध्यान समझना, दो इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये दो इलेक्ट्रॉन, इसका जो न्यूक्लियस, लेड का जो न्यूक्लियस होगा, इस न्यूक्लियस के साथ आकर्षण बना पा रहा होगा कि नहीं बना पा रहा होगा? जवाब है नहीं बना पा रहा होगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा इसके अंदर में एस इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर क्या आ गया है, एस आ गया है, और आप जानते हैं एस बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड है, यानी ये इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के साथ पकड़ बनाने नहीं देगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन, यहां पर जो दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं पी और वाइटल में, उसके सामने एस बॉडीगार्ड की तरह खड़ा है, जो कि चल इधर नहीं आना, चलो इधर चलो, और इस प्रकार से क्या करेगा, तुमको जहां जाना है साले जाओ, इधर तुमको नहीं आना है। तो बेचारा मजबूरी में इलेक्ट्रॉन क्या है, मतलब न्यूक्लियस के साथ इसका पकड़ कमजोर हो गया, मतलब ये क्या करेगा, आसानी से दो इलेक्ट्रॉन कोई मांग दे देगा, ले लो भाई घर तो कोई ले ही नहीं रहा है, कोई तो हमको एक्सेप्ट करो, तो जो ले लेगा उसी को साले को दे देगा, कोई दिक्कत? ठीक, यानी ये बहुत आसानी से दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा, और त्याग करने से क्या हो जाएगा, 54 4F14 5D10 और 6S2 हो जाएगा, 6P का इलेक्ट्रॉन खत्म, चला गया, टाटा बाय बाय, दे दिया। किसको दे दिया? बाहर चला गया। क्यों दे दिया? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ पकड़ नहीं बना पा रहा है। क्यों नहीं बना पा रहा है? यानी इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ के नहीं रख पाया। क्यों नहीं रख पाया? क्योंकि इसके सामने एस था, बदमाश, ये क्या किया, इसको पकड़ने नहीं दिया, इसको हटा दिया, चलो यहां तुमको इधर आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगला बार जब 6s की बारी आई, तो यहां पर जो डी है इसके बगल में एफ है इसके पहले, और डी आप जानते हैं डी और एफ अच्छे बॉडीगार्ड नहीं है। इसका मतलब क्या करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन जैसे पी का लावारिस था, वैसे एस के दो इलेक्ट्रॉन लावारिस नहीं है। ये दो इलेक्ट्रॉन को इसका जो न्यूक्लियस है ना, ये क्या करेगा, इसको पकड़ करके रखेगा, जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि यह इसके पहले क्या है, डी, इसके पहले क्या है, एफ। तो डी और एफ का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, कम है। इसका मतलब ये इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोक नहीं पाएंगे, अच्छे बॉडीगार्ड नहीं है। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन को
न्यूक्लियस बहुत ताकत से पकड़ कर रखा है, जाने नहीं देगा। और जब जाने नहीं देगा इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को तो न्यूक्लियस पकड़ करके रखा है। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन का त्याग खाली करेगा और पीबी प्लस फोर होगा ही नहीं, पीबी प्लस फोर होगा ही नहीं। क्यों नहीं पीबी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तब ना पीबी प्लस फोर होगा यार। दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, 6p से दो इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, इसीलिए पीबी टू प्लस हो गया। अब पीबी दो इलेक्ट्रॉन और त्याग करेगा तब ना पीबी प्लस फोर होगा, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन का त्याग कर ही नहीं ना पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्याग होने के लिए तैयार नहीं है, ये जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ रहना चाहता है, न्यूक्लियस इसको इसको प्यार कर रहा है न्यूक्लियस, तो ये न्यूक्लियस के साथ रहना चाहता है। इसको कोई प्यार नहीं कर रहा था, चला गया। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो? तो कहने का मतलब वाई पीबी प्लस टू इज मोर स्टेबल देन पीबी फोर प्लस, इसका सिंपल सा आंसर है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। Due to poor shielding effect of d and f orbital plus 2 oxidation state pb plus 2 is more stable than pb 4 plus. इसका आंसर लिखिए, क्या लिखेंगे इसका आंसर? इसका आंसर लिखेंगे ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट, या शील्डिंग इफेक्ट लिखिए, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट लिखिए, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ d एंड f orbital ऑफ d एंड f orbital pb plus 2 oxidation state is more stable, pb plus 2 oxidation state is more stable than pb plus 4 and so pbx2 is more acidic than pbx4 and so pbx2 is more acidic than pbx4। ये इसका आंसर है। अब इसमें आपको जो स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हैं, एक बार इधर का लेना चाहे तो ले सकते हैं, पहले आप इधर का ले लीजिए और जब इधर का हो जाए उसके बाद आप चीजों को एक साथ आप चाहे तो ले सकते हैं। एक मिनट, आप इधर कर लेना चाहे इधर का भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद बहुत समय लगा दिया ये क्वेश्चन, लेकिन खैर समय समय है हमारे पास, इसलिए व्हाट्सएप में स्टेटस बदलने के लिए थोड़े ना है जी, समय पढ़ने के लिए तो है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब कुछ बनेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी बट लेड डज नॉट। थोड़ा आसान क्वेश्चन है, चलो इसको मिटाते हैं। देखो थोड़ा ये वीडियो लंबा हो रहा है, बट मैं क्या कर सकता हूं, ये क्वेश्चन भी तो लंबा वाला है, छोटे छोटे क्वेश्चन है नहीं। आपको ये नहीं कहेगा सर हमको स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं समझ में आता, क्या होता है हम जान पे नहीं करते। अरे उसका नाम है, उसका अर्थ छुपा है, अकल रहेगा तब नाम। स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट कितना समझाएं, स्क्रीन मतलब रोकना, शील्ड मतलब रोकना, रोकने का प्रभाव जो छोड़ता है उसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। बाहरी इलेक्ट्रॉन को अंदर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ नहीं आने देते हैं, सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, उसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। कौन सी बड़ी बात कह रहे हैं भाई हम? चलो देखो, कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टीज, कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन शोज कैटेनेशन प्रॉपर्टी बट लेड डज नॉट, बट लेड, लेड मतलब फिर से वही आ गया पीबी, लेड डज नॉट। ग्रुप 14 एलिमेंट की बात हो रही है, देखो ग्रुप 14 एलिमेंट की बात हो रही है, आपको पता होना चाहिए ग्रुप 14 एलिमेंट। ये आपके पास अगर पीरियोडिक टेबल है तो आप, ये अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप क्या देखेंगे, यानी कि कार्बन है, कार्बन के नीचे क्या है सिलिकन है, सिलिकन के नीचे क्या है जर्मेनियम है, उसके नीचे क्या है टीन है, उसके नीचे क्या है लेड है। ध्यान समझने की जरूरत है, कार्बन जो है वो पीरियड 2 का एलिमेंट है, ये पीरियड 3 का एलिमेंट है, ये पीरियड 4 का है, टीन पीरियड 5 का है, ये पीरियड 6 का है। और आप यहां पर भली भांति जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर पीरियड बढ़ रहा है, ऊपर से नीचे आने पर पीरियड बढ़ रहा है, पीरियड बढ़ रहा है मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। अर्थात कार्बन का पीरियड 2 का एलिमेंट है, मतलब कार्बन के पास, कार्बन के एटम के अंदर दो ही ऑर्बिट होंगे, देख लो 6, 2, 4 है कि नहीं है। अगर सिलिकन पीरियड 3 का एलिमेंट है, इसका मतलब सिलिकन के एटम के अंदर 3 ऑर्बिट होंगे। किसी एटम के अंदर कितने ऑर्बिट होंगे ये डिसाइड करेगा कि वो किस पीरियड का एलिमेंट है। ये पीरियड 3 का एलिमेंट है,
इसका मतलब इसके सिलिकॉन के अंदर तीन ऑर्बिट होंगे। देख लो 14 होता है 14, 2.8, 10.4, 2, 8, 4। पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में 4, इसमें क्या है 2 और 4, समझ रहे हैं। इसका मतलब किसी एटम के अंदर कितने ऑर्बिट होंगे वो डिसाइड करेगा कि वो एटम किस एलिमेंट का है और वो एलिमेंट किस पीरियड में लाइज कर रहा है। उसी प्रकार अगर पीरियड 4 का एलिमेंट होगा तो इसके पास कितने ऑर्बिट होंगे 4, पीरियड 5 के पास कितने ऑर्बिट होंगे 5, पीरियड 6 के पास कितने होंगे 6, समझ रहे हैं बातों को। इस प्रकार अगर किसी एटम के अंदर ऑर्बिट की संख्या बढ़ते जा रही है भाई, तो एटम का साइज भी क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। यानी ऊपर से नीचे आने पर ऑर्बिट की संख्या बढ़ती है, परिणाम स्वरूप एटम का साइज बड़ा होता जाता है। यानी बताइए कार्बन और लेड से सवाल पूछा गया है, तो कार्बन के पास कितना ऑर्बिट है 2, जबकि लेड के पास कितना ऑर्बिट है 6। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, कहां इतना बड़ा सा एटम और कहां इतना छोटा सा एटम, और दो बड़े और छोटे एटम को कंपेयर करने कह रहा है। यहां सर हम ये नहीं समझ पाए सर कैटेनेशन का मतलब क्या होता है। सर कैटेनेशन का मतलब होता है बॉन्डिंग करने की क्षमता, माने अपने आप को किसी दूसरे के साथ पेयर कराने की, जोड़ने की क्षमता को कैटेनेशन कहते हैं। आप इसको लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं कैटेनेशन के बारे में, आप लिख सकते हैं टेंडेंसी टू लिंक विच वन अनदर। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है देखिए ध्यान समझिए, कैटेनेशन मींस होता है कैटेनेशन इज टेंडेंसी टू लिंक या बॉन्ड लिंक विथ अनदर एटम। कैटेनेशन इज टेंडेंसी टू लिंक विथ अनदर एटम। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड करता है, कार्बन तुरंत बॉन्ड बनाता है, देखते हैं पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन से ही बना है, लेड से नहीं बना है, क्यों, कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी है। अरे भैया हम कहेंगे वैसा आदमी जो किसी से भी बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, किसी से भी तुरंत दोस्ती कर लेता है, हम कहेंगे इसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। और एक वैसा बंदा या वैसा बंदी जो मतलब बंदी मतलब लड़की या वैसा आदमी जो बहुत साइड नेचर का है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है, ज़्यादा हंसमुख नहीं है, हमेशा मुंह फुलाए रहता है, करता है जाहिल टाइप, जिंदगी उसका झंड हो गया है सॉरी। तो कहने का मतलब क्या, इस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं उसे किसी से फ्रेंडशिप नहीं है, वो फैमिलियर किसी से जल्दी होता नहीं है, तो उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी नहीं है। तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, जो किसी के साथ तुरंत आसानी से बॉन्डिंग कर ले, दैट इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। तो कैटेनेशन इज टेंडेंसी टू लिंक विद अनदर एटम, इसे वो कहते हैं कैटेनेशन। थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड लिख सकते हैं आप, थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। कैटेनेशन इज टेंडेंसी टू लिंक विद अनदर एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड, ये टेंडेंसी होती है। ठीक, अब एक बात समझ लीजिए, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, यानी अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जो होती है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होती है। यानी जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती जाएगी। हमने क्या कहा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एटॉमिक साइज में आप समझ लीजिए इन्वर्स का रिलेशन होता है। मतलब अगर एटम बड़ा रहेगा तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, जितना छोटा एटम रहेगा उतना ही ज्यादा अपने तरफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखता है। उसी प्रकार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ही सेम ट्रेंड चलता है कैटेनेशन का। यानी जो कैटेनेशन होता है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी यानी बॉन्ड बनाने की प्रॉपर्टी जो होती है, छोटा एटम रहेगा जल्दी बॉन्ड बनाएगा, बड़ा एटम रहेगा तो सबसे बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो किसी लिमिटेड लोगों से ही बॉन्ड बनाएगा। तो कैटेनेशन भी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज होता है। और आप क्या देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, यानी क्या देख रहे हैं आप, अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एटॉमिक साइज बड़ा, इसको लिखे हैं एटॉमिक साइज, शॉर्ट में लिखे हैं एटॉमिक साइज। अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो कैटेनेशन कम होगा, यानी बॉन्डिंग कम करेगा। अब बताइए ऊपर से नीचे आ रहा है तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, तो कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब कहता है कार्बन शोज कैटेनेशन व्हाई लेड डज नॉट, समझ में आ गया, क्योंकि लेड का साइज बड़ा है इसलिए वो कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। और ये वाला कारण लिख दीजिएगा, बस हो गया आंसर, और क्या। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। और भी सवाल है क्या? ओके, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, इसको मिटाना चाहते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं।
ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट वो होता है जिसके पास क्या होता है, स्लिपरी होता है। जो क्या होता है, चिपचिपा स्लिपरी होता है, उसका एक सतह दूसरे सतह से स्लिप कर जाए उसी को क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट कहते हैं। एक्चुअल में पता होना चाहिए ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट जो है वो क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है। तो आप देखेंगे, अब क्या देखेंगे जी, ग्रेफाइट में क्या होता है ना, जो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, ध्यान समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, हेक्सागोनल छह कार्बन के अरेंजमेंट को हेक्सागोनल अरेंजमेंट कहते हैं। और ये जो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है, ये जो हेक्सागोनल अरेंजमेंट होता है ग्रेफाइट के अंदर कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। एक लेयर दूसरे लेयर से और दूसरे लेयर तीसरे लेयर से इस प्रकार से क्या होते हैं, एक लेयर दूसरे लेयर से और दूसरे लेयर तीसरे लेयर से इस प्रकार से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जो कि क्या होता है, ये बहुत वीक फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। तो एक लेयर दूसरे लेयर से बहुत वीक से जुड़े होने के कारण जैसे ही हल्का सा फोर्स लगेगा तो हल्का सा फोर्स लगने से ये वंडरवाल फोर्स टूट जाता है और एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लिप कर जाता है। और इसी कारण से बहुत आसानी से स्लिप करने की वजह से ये एक लुब्रिकेंट की तरह कार्य करता है। तो इसको हम बोलेंगे यहां पर जो कार्बन का जो हेक्सागोनल अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम ये जो है ना, ये क्या है ये दो जो लेयर्स में होते हैं, क्या होते हैं, लेयर्स में होते हैं। और एक लेयर दूसरे लेयर से, दूसरे लेयर तीसरे लेयर से एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधे होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हल्का सा फोर्स लगने से ये वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डिफॉर्म हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और एक लेयर दूसरे लेयर पे स्लिप करने लगता है। और इसी कारण से ग्रेफाइट जो होता है वो लुब्रिकेंट की तरह कार्य कर रहा होता है। मतलब कहने का मतलब है इन ग्रेफाइट, इसको लिखेंगे कैसे सर, इन ग्रेफाइट सब कुछ तो हमसे ही करवाते हो, हेक्सागोनल लेयर्स ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट इन ग्रेफाइट। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, इन ग्रेफाइट हेक्सागोनल लेयर्स ऑफ कार्बन एटम आर प्रेजेंट, या हेक्सागोनल लेयर्स या हेक्सागोनल रिंग कह सकते हैं, हेक्सागोनल रिंग्स RINGS रिंग लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ना, हेक्सागोनल लेयर्स ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट एंड लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर एंड लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्स एंड लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक वंडरवाल फोर्स so they can slip over each other, so they get slip, slip slip से सोने वाला slip नहीं लिखना है, so they get slip over each other और इस कारण से वो एक दूसरे के ऊपर क्या कर जाते हैं, slip कर जाते हैं, so they get slip over each other, ठीक है। चलो ये लिख लीजिए आप, last question है और 5 मिनट उसके बाद छुट्टी हो जाएगी आप लोगों की। अच्छा अभी तो बहुत सारा क्वेश्चन है यार, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाते हैं, इसको मिटाना चाहते हैं, मिटा दे जी, चलो हो गया ये। अब कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, क्वेश्चन नंबर 12 है और ये कहता है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, अंडरलाइन एलिमेंट्स का KMnO4, यहां पर आपको मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, ठीक है, ध्यान समझ, यहां पर क्या निकालना है आपको, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो यहां देखो जिसका निकाल, पोटेशियम का हमेशा +1 होता है, सर ये कैसे जानते हैं आप, अरे भाई पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में पहला ही लाइन का एलिमेंट है, इसीलिए वो ग्रुप 1 का एलिमेंट है। और वैसे भी सोचो ना यार, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, 2.8, 10.8, 18.1, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, 1, इसीलिए पोटेशियम एक ही इलेक्ट्रॉन का हमेशा त्याग करता है। ये एक अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो ये एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा इसलिए 1, और दे रहा है इसलिए +1, समझ गए। और यहां आपको मैंगनीज का निकालना है, तो इसका लिखेंगे एक्स, क्या लिखेंगे उसका एक्स, जिसका निकालना है उसका एक्स मानेंगे, प्लस ऑक्सीजन का हमेशा -2, क्यों सर, हमेशा खाली पेरोक्साइड के केस में -1, सिर्फ पेरोक्साइड के केस में -1,
अदरवाइज ऑक्सीजन का हमेशा माइनस टू। क्यों सर? अबे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 2.6 कितना घट रहा है, 2 लेगा, इसलिए माइनस। कितना लेगा? 2, इसलिए माइनस 2, ऑक्सीजन का माइनस 2। और कितना ऑक्सीजन यहां पर है? 4, एक ऑक्सीजन का ना माइनस 2 होता है, यहां 4 ऑक्सीजन है, तो 4 से गुणा करेंगे, ओवरऑल 4 जीरो से इक्वेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? +1 प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 8 माइनस 1 यानी +7, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल कर आया? +7 निकल कर आया, और यही क्या हो गया आंसर। तो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +7, जिसका निकालना है उसको x मानना है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा आपके पास है H2S2O7, इसको कहते हैं बेटा ओलियम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ओलियम। ये बहुत हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और H2S2O7 में सल्फर का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। हमने कहा जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको एक्स मानो। हाइड्रोजन का हमेशा +1, तो 2 हाइड्रोजन का +2, प्लस सल्फर का निकालना है तो 2x। देखो सल्फर का x माना है और सल्फर की संख्या यहां कितनी है? 2, तो सल्फर के लिए क्या लिखा आपने? 2x प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, और कितना ऑक्सीजन है? 7। ओवरऑल नेट चार्ज क्या हो गया? 0। ध्यान रखना इसको 0 से इक्वेट करना है। क्यों 0 से इक्वेट करना है? क्योंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इस पर कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं है। अगर यहां मान लो -2 रहता तो यहां लास्ट में 0 की जगह पर -2 से कंपेयर करते, अगर लास्ट में -5 रहता तो लास्ट में जहां 0 लिखे हैं वहां -5 से कंपेयर करते। अगर इसे मान लो उदाहरण के लिए SO42- है, और यहां पर अगर आपको सल्फर का निकालना होता तो सल्फर को एक्स मानते, ऑक्सीजन को -2 मानते, और ओवरऑल चार्ज -2 से कंपेयर कर देते। एक ऑक्सीजन का माइनस का कैसे निकलेगा? सल्फर का एक्स प्लस ऑक्सीजन का -2 × 4 इज इक्वल टू -2। समझ पाए? सल्फर का एक्स हो गया, ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन था इसे 4 से गुना कर दिए, ओवरऑल चार्ज 2 माइनस था तो 2 से इक्वेट कर दिए। समझ रहे हो मैं क्या कहना कोशिश कर रहा हूं? चलो अब यहां पर क्या हो गया? +2 + 2x - 14 = 0। यहां से 2x बराबर क्या हो जाएगा? 14 - 2, यानी 2x बराबर क्या हो जाएगा? 12, यानी x बराबर क्या हो गया? +6। खाली 6 लिखने से काम नहीं चलेगा, प्लस और माइनस भी दर्शाना होगा। प्लस मतलब दे रहा है, माइनस मतलब ले रहा है। सर समझे नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि इस मॉलिक्यूल को बनने के दौरान इस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान किया। कोई भी एटम जितना इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है बॉन्डिंग के दौरान, उसी इलेक्ट्रॉन की संख्या को, आदान प्रदान की गई इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही ऑक्सीडेशन स्टेट या उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों सेम चीजें होती हैं। चलो उसी प्रकार तीसरा आपके पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हो गया, उसकी स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे नेक्स्ट, अब क्या आपके पास तीसरा सवाल है H2O2, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बता चुके हैं क्लास में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। HOOH, आप जानते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 होता है, बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड ऑक्सीजन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों सर? पेरोक्साइड का मतलब क्या होता है? पेरोक्साइड उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, जैसे यहां पर है, इसको कहते हैं पेरोक्सी लिंकेज। क्या कहते हैं इसको? पेरोक्सी लिंकेज। अगर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड इस तरह से लगा हो तो इसको हम लोग कहते हैं पेरोक्सी लिंकेज कहते हैं, और ये पेरोक्सी लिंकेज जिस कंपाउंड में पाया जाएगा उस कंपाउंड को हम पेरोक्साइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं उस कंपाउंड को? हम लोग पेरोक्साइड्स कहते हैं। अब यहां पर देखो इस ऑक्सीजन के पास एक हाइड्रोजन से जुड़ा है, तो यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, इन दोनों के बीच में कोई आदान प्रदान नहीं होगा क्योंकि यह भी ऑक्सीजन ही है और यह भी ऑक्सीजन ही है, तो दोनों में से कोई इलेक्ट्रॉन किसी को, कोई एटम किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो यहां पर शेयरिंग नहीं होगा। यहां पर ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक हाइड्रोजन से बस ले पाएगा इधर से, इसलिए -1 लिया, इसलिए -1, और हाइड्रोजन दिया इसलिए +1। उसी प्रकार यह ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से तो नहीं लेगा, यानी हाइड्रोजन से लेगा तो लिया इसलिए -1। तो ऑक्सीजन हमेशा -1 ऑक्सीडेशन शो करता है इन केस ऑफ पेरोक्साइड, क्योंकि पेरोक्साइड में ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्डिंग होती है, जिस कारण ऑक्सीजन से कोई इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान सेम एटम नहीं करेगा। समझ में आया? तो ऑक्सीजन का हमेशा -1 इन केस ऑफ पेरोक्साइड, अदरवाइज -2। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा था आपको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। इसे क्या हो जाएगा? +7। इसे क्या हो जाएगा? +6। और इस प्रकार आपका ऑक्सीडेशन स्टेट वाला सवाल भी हो गया।
अब कहता है कि व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंपाउंड टू बी एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए इसको मिटाना चाहते हैं, मिटा दें। चलो देखो अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। देखो एरोमेटिक होने का क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर एरोमेटिक, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा, उसके लिए कंडीशन, चार कंडीशन हम क्लास में बताया गया है एरोमेटिक। पहला क्या बताया गया है जी, पहला बताया गया है हकल रूल, याद कीजिए 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। पहला उसके पास क्या होना चाहिए, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होना चाहिए। अगर उस कंपाउंड के पास पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी है जहां n की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। n का वैल्यू, अब देखो n का वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। n का वैल्यू 1 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 वंस आर 4 प्लस 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर n का वैल्यू 2 कर दोगे, 4 2 8 प्लस 2 8 प्लस 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इस प्रकार से अगर पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास है, पाई इलेक्ट्रॉन समझते हैं ना, पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। पाई बॉन्ड समझते हैं, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है एक पाई बॉन्ड होता है। तो पाई बॉन्ड बनाने वाले, जैसे देखो मान लो ये एक्स है और ये वाई है, इसके बीच में दो बॉन्ड है, तो ये एक बॉन्ड है उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे और ये वाला जो है वो पाई बॉन्ड कहेंगे। और पाई बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है और सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। समझ गए। तो कहता है कि पाई इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होनी चाहिए, 4n प्लस 2 होना चाहिए। दूसरा ये मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए उसके पास, क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए। कंपाउंड के पास क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेट पेयर, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, कुछ इस प्रकार, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, इस प्रकार के 12-13 कॉन्जुगेशन होता है। फिलहाल तुम तो समझो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल लोन पेयर, इस प्रकार का अगर कॉन्जुगेशन कहीं देखने के लिए मिल रहा है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, तो इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट पेयर। ये दो कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन क्या है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर, क्या होना चाहिए, शॉर्ट में लिख रहे हैं खाली, मस्ट बी प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पर लाइज करना चाहिए, सेम प्लेन पर लाइज करना चाहिए, और इसके लिए क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज हो रहा है, समझ में आ जाता है। तो तीसरा कंडीशन हो गया प्लेनर, पहला क्या हो गया जी 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दूसरा कॉन्जुगेट पेयर, तीसरा मस्ट बी प्लेनर, चौथा क्या है साइक्लिक, मस्ट बी साइक्लिक, वो कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए, मतलब ओपन नहीं होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तो वैसे कंपाउंड को हम क्या कहेंगे कि ये एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर ये चारों कंडीशन कोई कंपाउंड फुलफिल करता है तो हम कहेंगे कि वो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड है। तो एरोमेटिक होने के लिए चार नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। कंडीशन फॉर एरोमेटिक, पहला क्या है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरा उसके पास कॉन्जुगेट पेयर होना चाहिए, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल लोन पेयर, लोन पेयर सिंगल प्लस चार्ज, ऐसा कुछ होना चाहिए, 12-13 होता है कॉन्जुगेट पेयर। उसके अलावा तीसरा क्या है, कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए, मतलब एक ही प्लेन पर लाइज करना चाहिए। सर हम कैसे जानेंगे एक ही प्लेन पर लाइज कर रहा है कि नहीं, वो अगर sp2 हाइब्रिडाइज है, डबल बॉन्ड अगर उसमें है तो हम कहेंगे कि वो प्लेनर है। सिखाएंगे इसको आगे, सिखाए हैं यार क्लास में, इतना क्वेश्चन कम से कम 50-60 क्वेश्चन आपको कराए हैं क्लास में यार। अगला है मस्ट बी साइक्लिक, साइक्लिक मतलब क्लोज कर्व होना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन कोई फुलफिल करता है तो हम कहेंगे कि ये कंपाउंड क्या है बच्चों, ये एरोमेटिक कंपाउंड है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है और मिथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। देखो हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पर इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो अलग अलग एटॉमिक, और बहुत अच्छे से इसको हम समझा सकते थे, हाइब्रिडाइजेशन को बहुत अच्छे से समझा सकते थे, लेकिन उसको समझाने में 1.5 घंटे का समय लग जाएगा, कम से कम उतना समय लगाना ठीक नहीं है। फिलहाल आप इतना काम चलाइए जितना एग्जाम में आपको जरूरत है। मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, मिक्सिंग ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, टू फॉर्म न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। और आपको पूछा है इथेन में CH3 इथेन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, तो एक बात समझ लो, अगर कोई एटम सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है
अगर कोई एटम सिंगल बॉन्ड खाली बनाता है, तो सिंगल बॉन्ड अगर बनाता है तो हम बोलेंगे कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन भी कैसा हाइब्रिडाइज्ड है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। मतलब आप समझ लो कि अगर कोई एटम सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्ड बना दिया तो हम उसको क्या बोलेंगे? अगर डबल बॉन्ड बना दिया तो उसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड बना दिया तो हम बोलेंगे ये भी sp हाइब्रिडाइज्ड है। सिंगल sp3, डबल sp2, ट्रिपल sp। और अगर मान लीजिए कार्बन दोनों तरफ से डबल बॉन्ड बना लिया तब भी इसको क्या बोलेंगे? sp हाइब्रिडाइज्ड बोलेंगे। याद रखना है, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो sp3, डबल बॉन्ड रहेगा तो sp2, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो sp, और अगर दोनों तरफ से डबल बॉन्ड रहेगा तब भी इसको हम क्या बोलेंगे? sp हाइब्रिडाइज्ड बोलेंगे। चलिए, मेरे क्लास का समय भी हो गया है तो आज हम लोग क्लास यहीं वाइंड अप करेंगे। फर्दर अगली मुलाकात हमारी कल होगी मॉडल सेट 2 के सेक्शन बी के साथ। आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं, फर्दर हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, भूल चूक माफ किया जाए, है ना। चलो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।